आगरा शहर की ये तस्वीरें हैं। तमाम महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस मुहिम का समर्थन कर रही हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शाम 5 बजे आप जनता कर्फ्यू में हिस्सा ले रहे लोगों का अभिवादन अभिनंदन थालियां बजाकर घंटी बजाकर करेंगे। देखिए छोटे छोटे बच्चे थाली बजाकर उन लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं, अपने दरवाजे पर खड़े होकर उन लोगों का अभिवादन कर रहे हैं जिन लोगों ने आज जनता कर्फ्यू का समर्थन किया। देख सकते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शाम 5 बजे आप सभी उन लोगों का अभिवादन करेंगे, थाली बजाकर चिमटे बजाकर ये लोग ये छोटे छोटे बच्चे तालियां बजाकर उन सभी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं घंटी बजाकर। ये देखिए ये छोटा सा ये जो बच्चा है ये भी आज पूरे दिन जनता कर्फ्यू का अपने माता पिता के साथ समर्थन कर रहा था। आपको दिखाएंगे और तस्वीरें, तमाम ऐसी तस्वीरें ये देख सकते हैं। ये सभी लोग आज पूरे तैयार थे, पूरे दिन सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का ये लोग समर्थन कर रहे हैं। एक तरफ ये तस्वीरें और मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए किस तरीके से लोग अपने दरवाजे पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील को सम्मान दे रहे हैं, उस अपील को एक तरीके से समर्थन दे रहे हैं। ये देखिए साफ कह रहे हैं भाग कोरोना भाग, लेकिन आपको बता दें कि कोरोना एक ऐसा वायरस है जो चीन से चला था, लेकिन उसकी अब दाल हिंदुस्तान में गलने वाली नहीं है। लोग अपने ही अंदाज में अपने तरीके से कोरोना को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आज पूरे दिन से लोगों ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का समर्थन किया। शाम 5 बजते ही जैसे कि आपको जानकारी है प्रधानमंत्री मोदी ने एक कहा था कि आप लोग थाली बजाकर चिमटे बजाकर अपने अंदाज में घंटी बजाकर उन सभी देशवासियों का अभिनंदन करेंगे जिन लोगों ने आज जनता कर्फ्यू का समर्थन किया है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी बात है, कोरोना को भारत से जाना होगा, यानी कि कोरोना का वायरस अब भारत में नहीं टिक पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत की जनता, सरकार के साथ भारत की जनता पूरी तरीके से तैयार है, अब कोरोना हारेगा हिंदुस्तान जीतेगा।